अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवरीवन कैन कुक। आज हमारे किचन में बन रहा है मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 kg बोनलेस चिकन क्यूब लिए मैंने और 1/2 teaspoon सॉल्ट है, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 3 tablespoon कॉर्नफ्लोर और 1 अंडा। इन सब चीज़ों को हम चिकन पर डालेंगे। 2 tablespoon इसमें हम सोया सॉस भी ऐड करेंगे। इसको मिक्स करके 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम अपना मंचूरियन का चिकन फ्राई करेंगे। ये चिकन हमारी फ्राई हो गई है, बिल्कुल लाइट गोल्डन, ज़्यादा डार्क नहीं करना इसको, नहीं तो चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी। इसी तरह से हम अपनी सारी चिकन जो है फ्राई कर लेंगे। मंचूरियन की ग्रेवी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हमने 1.5 कप जो है केचप ली है और 1 teaspoon चिली पाउडर, उसको हमने 3 tablespoon विनेगर में सोक कर दिया था, 3 tablespoon सोया सॉस है, 1 tablespoon चिकन पाउडर है, 2 tablespoon चॉप्ड गार्लिक है और 1.5 tablespoon हमने ब्राउन शुगर लिया। आप चाहें तो वाइट शुगर भी ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में 2 small size की हमने शिमला मिर्च ली है, उनका स्क्वेयर्स काट लिए हैं और 1 large onion है उसको भी स्क्वेयर में काट लिया है। कुकिंग ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 tablespoon, चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। गार्लिक हमारा गोल्डन हो गया, अब इसमें हम केचप ऐड करेंगे। हाफ कप के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, चिकन पाउडर, सोया सॉस, चिली पेस्ट जो हमने तैयार की थी। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। सॉल्ट अब टेस्ट करके ऐड करें, क्योंकि चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है, सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, केचप भी थोड़ी सॉल्टी होती है। इस स्टेज पे आप अपना टेस्ट करें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड करें। इसमें जब बॉईल आ जाएगा तो हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सब्जियां आपने तब ऐड करनी है जब आप बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे, ताकि उनका कलर ग्रीन ग्रीन रहे, वरना वो सॉफ्ट और सॉगी सी हो जाएंगी। चिलीज इसमें आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कम स्पाइसी करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ये नॉर्मल स्पाइसी है। इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। और अगर आप इसको सर्व आपने बाद में करना है और ये आपको लगे जैसे बहुत थिक हो गया है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको कर सकते हैं थिकनेस को ठीक। अब इसमें हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, बस इसको मिक्स करेंगे, इसको ज़्यादा इसको अब कुक नहीं करेंगे ताकि वेजिटेबल्स क्रिस्पी रहें। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने चावल बॉईल कर लिए हैं और वॉक में हमने 4 tablespoon कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें 1 tablespoon चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, इसको लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। गार्लिक हमारा गोल्डन हो गया, लाइट गोल्डन, अब हम जिंजर ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स में हमने 1 शिमला मिर्च लिया, उसको बिल्कुल छोटा चॉप वाला काट लिया, 1 छोटे साइज की गाजर है और 1 कप कटी हुई बंद गोभी है। पाँच मिनट के लिए हमने अपनी सब्जियों को इसमें सौते किए, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इसमें हम 1/2 teaspoon
काली मिर्चें और हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 4 अंडे हैं जिनको हमने फ्राई कर लिया है, स्प्रिंग अनियन है, ग्रीन पार्ट डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, वन टेबल स्पून के करीब इसमें सेसमी ऑयल ऐड करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।